जय हिंद दोस्तों, मैं हूं देवनाथ, त्रिपुरा फिजिकल एकेडमी का फिजिकल इंस्ट्रक्टर। तो साथियों बिल्कुल ध्यान दीजिएगा वीडियो को, बहुत जबरदस्त वीडियो होने वाला है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक में क्लिक करिए, आपको पिछली जो मैंने वीडियोज बनाया था वो वीडियो मिल जाएगा। तो आज है गुरुवार थर्सडे, तो फिर आज का जो प्रोग्राम होगा हिल ट्रेनिंग कैसे करना है इस वीडियो में दिखाता हूं किस तरफ से करना है। तो साथियों आज का जो प्रोग्राम होगा, जो टाइम टेबल है वो टोटल होगा 40 मिनट की। तो 40 मिनट की कैसे करनी है आपको, सबसे पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज 5 मिनट, उसका तो वार्म अप 5 मिनट, 10 मिनट हो गया। उसके बाद आपको करनी है जॉगिंग, कम से कम आपको करनी है 10 मिनट की जॉगिंग करनी है। 10 से 15 मिनट आपको करनी है हिल ट्रेनिंग आपको दो तरीके कर सकते हो, जैसे कोई जहां पर थोड़ा सा पहाड़ी टाइप का हो, जहां पर पहाड़ी मिल जाएगा आपको चढ़ाई टाइप का, उसमें आपको रनिंग करनी। लेकिन रनिंग करते समय बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जब आप रनिंग करते हो आपको जो बॉडी है थोड़ा सा सामने की तरफ झुका होना चाहिए और पैर बिल्कुल सीधा रखना चाहिए। आपको चढ़ाई चढ़ना, अगर वो सिस्टम आपके पास नहीं है तो सीढ़ियां आप चढ़ सकते हो। अब वीडियो पे दिखाया गया, आप देख सकते हो सीढ़ी में कैसे रनिंग कर रहे हैं। तो साथियों सीढ़ी में बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप लोग स्पीड से आपको रनिंग करनी है, और जब उतरते टाइम बिल्कुल ध्यान से उतरेगा, बिल्कुल धीरे स्लो उतरना है आपको, धीरे धीरे रनिंग करते है। और चढ़ाई की तरह जब आप स्टार्ट करते हो रनिंग, आपकी तरफ ऊपर की तरफ सीधा जब रनिंग करते हो उस टाइम बिल्कुल स्पीड से जानी है, और उतरते टाइम बिल्कुल स्लो मोशन में उतरनी है। तो इस तरफ से आपको कम से कम 15 मिनट करनी है, 10 से 15 मिनट। साथ ही इस तरफ से आपको बिल्कुल एक्सरसाइज करनी है, जिससे आपकी जो पैर है बिल्कुल मजबूत होगा, और साथ साथ आपकी जो मसल्स वो भी मजबूत होगा और स्ट्रेंथिंग पावर भी बढ़ेगा। क्योंकि इंडियन आर्मी की जो 16 मीटर रनिंग है उसमें बहुत पावर चाहिए, तो उस पावर के लिए सबसे पहले पैर मजबूती करना जरूरी है। अगर पैर मजबूत नहीं है तो फिर आपको 16 मीटर रनिंग नहीं कर पाओगे, इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि उसमें बहुत फॉर चाहिए। तो फॉर के लिए आपको क्या करनी है, ज्यादा से ज्यादा आपको ये जो मैंने जो बताया था हिल ट्रेनिंग वो करनी है, वो हफ्ते में एक दिन करनी है बस, ज्यादा नहीं करनी है। तो इस तरफ से आपको प्रैक्टिस करनी है, जैसे ये खत्म हो जाता है उसके बाद आने के बाद बिल्कुल 1 से 2 मिनट आपको कूल डाउन करनी है और 3 मिनट आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है। ये 40 मिनट की जो प्रोग्राम हो गया आज का दिन का, तो इस तरफ से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो साथियों इस वीडियो को बढ़िया सा आपको ध्यान से देखनी है और एक्सरसाइज अच्छी तरह से करनी है साथियों। तो साथियों इस तरफ से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो साथियों मैं आज वीडियो अपलोड करने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था इसके कारण से वजह से। तो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जो शुक्रवार को फ्राइडे है, वो बहुत बढ़िया वीडियो आएगा, उसमें भी आपको जिस तरफ से मैंने शेड्यूल बताया था इस तरफ से डेली चेंज होगा। तो साथियों वीडियो को यहाँ पर समाप्त कर, इस वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए। जय हिंद जय भारत।